नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, राग शिवरंजनी, जी हां दोस्तों, अगर राग शिवरंजनी को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो दोस्तों आप खुद से अपने आप हारमोनियम पर बहुत सारे सॉन्ग बजा सकते हैं। दोस्तों फिल्मी गाने और भजन, कव्वाली, दोस्तों बहुत सारे गाने बॉलीवुड के इस राग में गाए गए हैं जो कि आप उनको अपने आप बजा सकते हो। दोस्तों बात है राग शिवरंजनी के आपको समझ में आने की, तो दोस्तों आज हम राग शिवरंजनी के बारे में आपको मैं अच्छे से बताऊँगा किस तरीके से इसके आवरोह होते हैं, अवरोह होते हैं, पकड़ किस तरीके से होता है। तो दोस्तों इनके बारे में हम जानेंगे और इनमें कौन से स्वर यूज होते हैं मैं वो आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों आप इसको अच्छे से सीख जाइए और खुद से अपने आप इसी राग के गाने आप अच्छे से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँच सके। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि राग शिवरंजनी किस तरीके से है और किस तरीके से इसमें कौन कौन से स्वर यूज हो रहे हैं। दोस्तों मैं कॉपी ले लेता हूँ, उसमें आपको पहले मैं इसमें लिख के बता देता हूँ कि किस प्रकार से कौन कौन से स्वर इसमें यूज होंगे और किस तरीके से ये होंगे। तो हम पहले डाल लेते हैं दोस्तों, देखिए इसको समझिएगा, राग शिवरंजनी। शिवरंजनी ये दोस्तों हमारी हेडिंग हो गई, ठीक है। अब दोस्तों इसके आरोह किस तरीके से है, देखिए दोस्तों आरोह, सबसे पहले आरोह होता है, आरोह आरोह कैसे होगा, सा रे शुद्ध रे, और दोस्तों कोमलगा, कोमलगा का इसमें प्रयोग होगा, सा रे गा पा धा शुद्ध धा सा, ये दोस्तों सा, ये इसका आरोह हो गया। अब हम बात करते हैं अवरोह की, अवरोह, अवरोह की दोस्तों सा धा पा गा रे सा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कोमलगा, कोमलगा, कोमलगा का प्रयोग होता है इसमें राग में, बट दोस्तों हम शुद्ध गा का भी प्रयोग करते हैं ताकि इस राग में और ज़्यादा खूबसूरती आ सके। तो दोस्तों मैं आपको हारमोनियम पर बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। ये हमारे सारे, ये दोस्तों हमारे आरोह और अवरोह हो गई। अब इसकी पकड़ भी लिख लेते हैं हम, पकड़, पकड़, देखिए दोस्तों सा रे गा गा रे धा सा, ये इसकी पकड़ हो गई। अब हम इसको हारमोनियम पर समझेंगे किस प्रकार है। मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ जो आपको देख सके, और देखिए दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हम इसके आरोह बजाएंगे, आपको दिख रहे होगा आरोह, सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। ये दोस्तों इसके आरोह और अवरोह मैंने आपको दिखाए, देखिए सा रे गा कोमल पा धा सा, सा धा पा कोमल गा गा रे सा, ये इन सुरों का इसमें प्रयोग है। और देखिए एक बार दोस्तों इसकी पकड़ देखते हैं, सा रे गा रे धा सा, इस तरीके से दोस्तों इसमें ये सुर हैं।
तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात आती है इसमें सॉन्ग कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसमें गाने हैं, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों बहुत ही हिट इसमें गाने हैं जो आपने सुन रखे होंगे, मैं एक एक करके आपको बताता चलूँगा और आप उसको नोट करते जाना। दोस्तों थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा और आगे निकालने की आप उसमें कोशिश करना कि किस तरीके से है। देखिए दोस्तों, आप इसको अच्छे से बजा सकते हैं। और दोस्तों और सॉन्ग ले लीजिए, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, किसी और के मिलने के बहाने आ जा। ये दोस्तों, और दोस्तों एक बहुत ही सुपरहिट गजल जो आप अच्छे से समझ जाएंगे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, ये वाली गजल इसी में है। और दोस्तों और ले लीजिए, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। और दोस्तों एक कौन, और ये दुनिया प्यार के किसे मुझे जब भी सुनाती है, वो लड़की याद आती है। इस तरीके से दोस्तों आप अच्छे से बजा सकते हैं। और गाना ले लीजिए दोस्तों, मैं आपको धीरे धीरे बताता चल रहा हूँ। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ये हो गया दोस्तों, कोयलिया गाती है, पायलिया छलकाती है, ये दोस्तों ये भी गाना हो गया। और दोस्तों जैसे ही आपको समझ में आते हों और आप उसको निकालने की कोशिश करना, मैंने आपको स्वर बता दिए हैं और दो चार गाने भी बता दिए हैं। और दोस्तों एक और गाना मैं बता देता हूँ, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, ये गाना हो गया। और दोस्तों जो भी गाना होगा मैं आपको बताता चलूँगा। इस तरीके से आप इनको, आप जो मैंने बताया इनको आप खुद से निकालने की कोशिश करना, इन्हीं स्वर पर निकलेंगे दोस्तों, जो राग शिवरंजनी है इन्हीं स्वर पर निकलेंगे, आप इनको अच्छे से निकालने की कोशिश करना। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।